हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट आपका घोषित हो चुका है और रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आधा अधूरा घोषित किया गया है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आपका केवल स्कोर बताया गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का कम्बाइन स्कोर आपको दिया गया है। अलग अलग भी दिखाया गया है कि पेपर फर्स्ट में आपके कितने मार्क्स हैं और पेपर सेकंड में आपके कितने मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। ये केवल जानकारी अभी तक दी गई है और यह जानकारी जो है रात 12 बजे पब्लिश की गई है। तो देखिएगा, आप सभी जो भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो की मुख्य बात जो है, हम आपको बताएंगे कि रैंक आपकी किस प्रकार से मिलेगी, कितने स्कोर पर कितनी रैंक आ सकती है। जो एक अनुमान है हमारा विगत वर्षों की रैंक को देखते हुए, और क्या इसका एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कितने मार्क्स वाला आपका सरकारी कॉलेज के लिए सुरक्षित है और प्राइवेट कॉलेज के लिए सुरक्षित है। तो वीडियो को पूरा देखें और वॉच करने के बाद शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि सभी मित्रों को हेल्प हो सके। जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 21 आपकी मई को रिजल्ट घोषित हो जाएगा और 21 मई की देर शाम लगभग 20 मई के रात के 12 बजे आपका रिजल्ट घोषित किया गया। और ये रिजल्ट जो है पहली बार इस तरीके का रिजल्ट आया हुआ है, क्योंकि पहले आंसर की दिखाई जाती थी, उसके बाद आपकी जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाता था, उसमें आपकी रैंक होती थी और आपका स्कोर होता था। लेकिन इस बार क्या है, आपका केवल स्कोर दिखाया गया है, स्कोर में आपके पेपर फर्स्ट और पेपर टू के मार्क्स दिखाए गए हैं। तो स्कोर सभी ने अपना चेक कर लिया होगा। जिन्होंने स्कोर अपना अभी तक चेक नहीं किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा और अपना जो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है वो भरने के बाद पासवर्ड भर दिएगा, उसके बाद आपको स्टेटस मिलेगा, साइड में जो है आपका स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं रैंक की। तो रैंक देखेगा, पूरा प्रोसेस आपको समझना होगा रैंक के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यूनिवर्सिटी की ओर से एक डेट दी गई है आपको 27 और 28 मई, तो 27 और 28 मई में आपकी जो है रैंक सहित आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उसके बाद आपकी 1 जून से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई डेट चेंज नहीं की है, लेकिन जैसा कि हमारा अनुमान है आपकी डेट जो है थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन 27 और 28 मई को आपका रैंक वाइज रिजल्ट घोषित होगा। सो फ्रेंड्स, बीएड से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है somacademy.org, आप उस पर जाइएगा। मेनू ऑप्शन क्लिक करने के बाद बीएड सत्र 2019-21 पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ जानकारी मिलेंगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आपका ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने हैं। कौन कौन से हैं उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मिलेगी, कट ऑफ की आपकी लिस्ट मिलेगी, कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार, और काउंसलिंग प्रक्रिया आपको यहाँ पर पूरी की पूरी समझाई जाएगी किस तरीके से काउंसलिंग होनी है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म में आपने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की है तो काउंसलिंग में वो गलती मत करें, क्योंकि काउंसलिंग आखिरी चरण है और यहाँ पर गलती होगी तो यहाँ पर माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तीसरी बात करते हैं रैंक वाइज, तो रैंक वाइज आपको डिटेल दी गई है कितनी रैंक तक कब काउंसलिंग होगी और क्या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बात करते हैं कॉलेज लिस्ट की, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके के कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी और 2000 प्लस कॉलेजों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो अपने क्षेत्र के कॉलेज आप चुन सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जा कर के। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी, यहाँ पर देखिए मार्क्स, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपके कितने मार्क्स हैं और कितनी आपको जनरल रैंक मिलेगी, कितनी कैटेगरी रैंक मिलेगी, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर कार्ड, और अब देखते हैं कितने स्कोर पर क्या आपकी रैंक हो सकती है।
तो देखिएगा इसे हम कुछ मुख्य चरणों में बांटते हैं, 1 रैंक से 10,000 रैंक तक। तो देखिएगा रैंक फर्स्ट से 10,000 रैंक तक ये जो है आपकी जनरल रैंक हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ये रैंक वाले कॉलम में आना था, 1 से 10,000 रैंक तक ये क्या होगी, आपकी जनरल रैंक होगी। जनरल रैंक सभी को प्रदान की जाएगी क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है वो जनरल रैंक से आपकी होगी। और एक होती है कैटेगरी रैंक, जैसा कि आप रिजर्व कैटेगरी में हो, EVS कैटेगरी में हो, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, तो आपको एक दूसरी रैंक भी दी जाएगी आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स जो हैं 250 से प्लस आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 1 से 10,000 रैंक के बीच जो है आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है पूरे के पूरे चांसेज होते हैं आपके सरकारी कॉलेज मिलने के, यदि जनरल कैंडिडेट की रैंक की बात की जाए तो। जनरल के लिए सेम रैंक रहेगी क्योंकि ये क्या होती है, आपकी जनरल रैंक होती है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए। तो OBC कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें तो 230 प्लस यदि आपका स्कोर है और आपकी जो रैंक है वो 10,000 से आपकी 18,000 तक रैंक आती है। और यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो घट जाएगी, यहाँ जो आपकी कैटेगरी रैंक आएगी लगभग 8,000 प्लस आपकी रैंक आ जाएगी और आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है यदि आपके 230 प्लस स्कोर है। क्योंकि आपकी जो है जो आपको कॉलेज मिलेगा वो कैटेगरी रैंक से मिलेगा, हालांकि काउंसलिंग जो है आपकी वो जनरल रैंक के अकॉर्डिंग होगी। तीसरी बात जो समझाने वाली बात है वो एक कैटेगरी और ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा EVS कैटेगरी भी रखी गई है। EVS कैटेगरी के बाद यदि बात की जाए तो 220 प्लस यदि आपका स्कोर है तो आपकी जो रैंक है वो यहाँ पर देखिएगा 10,000 से आपकी 20,000 के बीच आपकी रैंक आ जाएगी। और आपकी जो यहाँ पर देखिएगा रैंक होगी वो लगभग 8,000 के आसपास आपकी आएगी। तो आपका यदि आप EVS कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देखिएगा OBC के लिए हमने आपको बताई है, ये हम बता रहे हैं EVS कैंडिडेट के लिए जो 10% रिजर्वेशन सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। ये OBC से कम रहने का तात्पर्य इसीलिए है क्योंकि EVS सर्टिफिकेट बहुत ही कम संख्या में बने हुए हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ा OBC से नीचे जा सकती है। तीसरी बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी में यदि आप हो और आपका जो स्कोर है 200 प्लस स्कोर है और आपकी जो रैंक है वो यहाँ पर देखेगा, यदि आपकी रैंक 15,000 से तो आपकी जो रैंक होगी वो लगभग 7,000 के आसपास आएगी कैटेगरी रैंक। तो क्वालिट तो आपको कैटेगरी रैंक से मिलना है, काउंसलिंग आपकी जनरल रैंक से होनी है। तो SC कैंडिडेट के लिए सुरक्षित स्कोर हो सकता है सरकारी कॉलेज के लिए, ये हम आपको सरकारी कॉलेज के लिए बता रहे हैं। और इसके बाद हम आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कुछ जानकारी देंगे कि कितने मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एक बार एक कैटेगरी और बत्ती है हमारी, उसकी भी यहाँ पर देख लेते हैं। 170 प्लस यदि आपका स्कोर है और आपकी रैंक जो है 30,000 से आपकी रैंक आती है 50,000 तक तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो 5,000 के आसपास आती है यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि विकलांग जो हमारे PH कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आप बताइएगा। तो मैं बता दूं आपको, PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो PH कैंडिडेट यदि जनरल का है तो उसे इतने मार्क्स लाने होंगे, OBC का है तो इतने लाने होंगे, SC का है तो इतने और ST का है तो इतने मार्क्स लाने ही होंगे। बात कर लें गर्ल्स की अर्थात लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए हो सकता है कि 5 मार्क्स आपके कम पर रैंक तो आपको इतनी ही मिलेगी, लेकिन लड़कियों के लिए क्या है, कुछ कॉलेज रिजर्व होते हैं, इसलिए अगर यदि आपके मार्क्स 5 मार्क्स कम भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है।
तो ये एक अनुमान है विगत वर्षों में, ये जो हमने जो है यहाँ पर 15 मार्क्स जो हैं बढ़ाए गए हैं। पिछली बार जो था 230 प्लस स्कोर पर जनरल कैंडिडेट को सरकारी कॉलेज मिल गया था, लेकिन इस बार क्या है बच्चों की संख्या जो है 2.5 गुना ज़्यादा है, तो उसी के अनुरूप ये कट ऑफ भी बढ़नी निश्चित है। तो दोस्तों ये एक अनुमान हमने आपको बताया है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।